हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो ऐसा है कि कुछ टॉपिक नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए आज, बल्कि मैंने ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। सो गाइस, फिलहाल के लिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डिसेबल्ड हो चुका है, और गाइस आई होप मेरा अकाउंट वापस आ जाए जल्दी। सो गाइस, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हुआ क्या है, डिसेबल कैसे हुआ है। तो सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे फेक अकाउंट बहुत सारे हैं, और जैसे कि हम लोग अपने रियल अकाउंट पर, ऑफिशियल अकाउंट पर जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं आ पाते हैं जितने कि मेरे फेक अकाउंट पे व्यूज़ आ जाते हैं। मतलब ये है कि आप सपोज करो जैसे मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे 50K व्यूज़ आ गए हैं, तो मतलब उधर वाले अकाउंट पे जैसे वीडियोस डली है, मतलब जैसे जस्ट नाउ अभी वीडियो डली है, तो उसके एक सेकंड बाद वहाँ कॉपी मिलेगी आपको वीडियो। मतलब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है कि मैं रियल हूँ वो रियल है। मतलब व्यूज़ भी मैंने आपको बताया अभी, जैसे मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे 50K व्यूज़ होंगे तो वहाँ पे आपको 2.5 लाख व्यूज़ मिलेंगे। मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ गाइस कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक चीज़ और गाइस, जो मेरे फेक अकाउंट्स हैं ना वो अभी भी चल रहे हैं, उन पे व्यूज़ भी अभी भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो गाइस, मतलब इंस्टाग्राम वालों का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, जो हमारा खुद का अकाउंट है वो मेरा रियल अकाउंट है तो वो डिसेबल्ड हो चुका है। मतलब क्या हो रहा है भाई इंस्टाग्राम वालों को। सो गाइज, जो आज का वीडियो है वो यहीं तक है। फिलहाल के लिए तो मेरा अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड है, आगे देखते हैं गाइज। आई होप मेरा अकाउंट जो है वापस आ जाए, उसमें कितने टाइम की हमारी मेहनत है। सो गाइज, आई होप वापस तो आना ही चाहिए मेरा अकाउंट। सो गाइज, आगे जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।